वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी दिया, मैं बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का। तो आज मैं ओनली पनीर टिक्का रेसिपी बताने वाली हूँ। मेरे चैनल पे आप वीडियो देख रहे होंगे, तो ये वीडियो में सिर्फ मैं पनीर टिक्का का रेसिपी बनाऊंगी। नो ब्लॉग, नो नथिंग, कुछ कॉमेडी वॉमेडी नहीं, सिर्फ रेसिपी आज। तो क्या पनीर का रेसिपी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पनीर टिक्का के लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। तो यहाँ पे है चॉप किया हुआ प्याज और कैप्सिकम, यस राइट। और यहाँ पे है कुछ मसाले, ये है ब्लैक सॉल्ट, ये है गरम मसाला, और ये है जीरा पाउडर, और ये है चाट मसाला, और ये है नमक, नॉर्मल नमक, और ये है हल्दी, और यहाँ पे है दही, और ये है पनीर। तो पनीर हाफ के जी का है, हाँ हाफ के जी का है। और यहाँ पे है लेमन जूस, और यहाँ पे है बेसन, और यहाँ पे है ऑयल, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है चिली पाउडर, और लास्ट में है चिली सॉस। बहुत तेज है। तो दिया स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करते हैं, किस बात का इंतजार है भाई। हाँ चलो भाई। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने कट कर दिया है, तो छोटे में नहीं, थोड़े से बड़े में स्लाइस कट किया है। तो चलो आगे क्या है, क्या करते हैं देखते हैं। तो दिया वहाँ पे रख दो पनीर। ठीक है, रख देते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग गैस ऑन करो अभी। फास्ट में रखना, स्लो में रखो। ओके। तो हम लोग थोड़ा बेसन को रोस्ट कर लेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हाँ, ब्राउन जैसा हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा लाइट ब्राउन हो। हाँ, लाइट ब्राउन, थोड़ा सा लाइट। मम्मी ने बताया क्या हो जाए, लाइट ब्राउन। हाँ, तो इस ये बाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको थोड़ा सा रोस्ट करके डालेंगे, क्योंकि कच्चा कच्चा नहीं दिखना है ना। हाँ, टेस्ट मुंह में कच्चा कच्चा हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम लोग थोड़ा रोस्ट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा ऊपर बैठ जाती हूँ। अब आ रहा हूँ पहाड़ के नीचे। तो दिया, तुम्हें कुकिंग करना बहुत पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। तो पूरा तो कटिंग चॉपिंग ये सब तो मैं ही करती हूँ ना। हाँ, करती है मेरी मम्मी, और मैं क्या करती, पकाती हूँ। क्या, बातों से या कुकिंग से? मतलब क्या? क्या कैसे पकाती हो? जैसे आप देख रहे हो वैसे पका रही हूँ। तो मम्मी ये हो चुका है। हाँ दिया, बंद कर दो गैस, बंद कर दो। ओके मम्मी। तो चलो अभी मैरिनेट स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ, मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, मेरा मिक्स करने वाला ही है, मुझे बहुत मिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी, सबसे पहले क्या डालना है? चलो दिया, अभी हम लोग मैरिनेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। हाँ। उसके लिए क्या क्या डालेंगे ये देखेंगे, ठीक है? हाँ मम्मी। तो तुम पहले डालो वो रोस्टेड, वो रोस्ट किया था ना। हाँ। अब लोगों ने बेसन। हाँ। उसको पहले पूरा सा डाल दो।
पूरा दाल, ठीक है? तो हमने डाल दिया बेसन। ठीक है, अभी दिया तुम पूरे स्पाइसेस डालो। स्पाइसेस पहले ये है ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट पूरा डाल दो। अरे आ रही नहीं। हाँ आ गया। अभी डालूंगी मैं गरम मसाला। अभी मैं डालूंगी जिंजर का पाउडर। नहीं नहीं, जीरा पाउडर। हाँ जीरा पाउडर, मिस्टेक हो गया, उप्सी। तो अभी मैं डालूंगी क्या ये, चाट मसाला। चाट मसाला, हाँ। अरे हाँ आ गया। और अभी मैं डालूंगी नॉर्मल नमक, नमक नॉर्मल वाइट। और अभी मैं डालूंगी हल्दी। तो अभी क्या करना है मम्मी? सब मसाला तो मैंने डाल दिया, अभी तुम कर्ड डालो। कर्ड डालूं? ठीक, ये रहा कर्ड। कितना स्पून डालूं मम्मी? तीन स्पून डाल। तीन स्पून? हाँ। वन, ये रहा टू, और ये रहा थ्री, और ये रहा फोर। और अभी क्या करना है मम्मी? तो ये अभी डालो लेमन। लेमन, लेमन डालना है? लेमन व्हाट हम लोगों ने लेमन जूस। हाँ ये वाला है ना। हाँ लेमन जूस। नेक्स्ट लेमन जूस। इट्स लेमन जूस। नेक्स्ट क्या है? जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओके, आजा आजा आ, थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है मम्मी? अभी टू टेबल स्पून ऑयल डालना। टू टेबल स्पून, ये टू टेबल स्पून है ना मम्मी? हाँ टू टेबल स्पून है, वो डाल दो। थालो टू टेबल स्पून। अभी अभी क्या बचा है? काली मिर्च, मतलब कि ये लाल मिर्च। लाल मिर्च, हाँ काली मिर्च। वो कितना सारा था। ओके हो चुका है। अब क्या डालूं? अब कुछ नहीं दिया, अभी अच्छे से तुम मिक्स करो। ठीक है, ये रहा मैं मिक्सर, और करूंगी मैं इसको भी। अरे अरे वाह, ये तो ऑरेंज हो गया, ऑरेंज कलर। क्या हुआ? ऑरेंज कलर। हाँ इसको अच्छे से मिक्स करना है दिया। हाँ अच्छे से मिक्स करूंगी। और थोड़ा सा चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस कितना? थोड़ा सा डालो। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स कितना डालना है। मुझे लगता है बस ये ज्यादा तेज होता है। ओके बस ज्यादा डालते हैं, मेरे तो लगता है शायद परफेक्ट ही डाला होगा। उसमें क्या? हाँ हाँ तुम तो शेफ हो ना। नहीं ठीक है दिया, अच्छे से तुम मिक्स करना। ठीक है ठीक है। मम्मा हो चुका है, अब मैं क्या करूं? इसको साइड कर देती हूँ पहले मैं। अभी क्या करूं मम्मी? अभी तुम ऑनियन डालो इसमें। ऑनियन, ऑनियन पूरा डाल दो। हाँ पूरा ही डालूंगी, आराम आराम से, नीचे न जाए। हाँ ठीक है, अभी मुझे पता है मैं कैप्सिकम। कैप्सिकम अभी क्या करना है मम्मी? अभी पनीर डालो। पनीर, अभी मैं डालूंगी पनीर। बाप रे कितना सारा है, हाथ पे आ रहा ही नहीं है। तो इसको पूरा मिक्स करना है अभी दिया।
ठीक है, मैं अभी मैं मिक्स करके दूं क्या? हाँ दो मम्मी मिक्स करके, क्योंकि मुझसे नहीं होगा। तो चलो मैं मिक्स करके आती हूँ, मेरी मम्मी आएगी, मतलब मिक्स करके मैं आ जाऊंगी आपके पास फिर से। मम्मी मिक्स करके दिया आ जाएगी? हाँ, मेरी मम्मी मिक्स करेगी और मैं आऊंगी। वाह, देखिए फ्रेंड्स, ये मम्मी ने पूरा मिक्स कर दिया। मम्मी ने ये बॉल बहुत छोटा था तो इसलिए मम्मी ने बड़ा बॉल लिया और उस पर एक 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 अच्छे से मिक्स करके इस पर डाल दिया। और अभी क्या करेंगे मम्मी हम लोग? तो दिया, अभी हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए, तो मैं मिलती हूँ आपको 15 मिनट्स के बाद। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट्स हो चुका है, फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। ऐसा लग रहा है अभी सेम टू सेम लग रहा है। क्या लग रहा है? सेम टू सेम सेम ही लग रहा है। तो तुम क्या सोची थी दिया, ये पक्के बाहर आएगा फ्रिज से? नहीं, मुझे लगा ये आइस हो जाएगा, आइस आइस हो जाएगा। ठीक है, अभी दिया क्या करें? तो ये हमारे पास कुछ स्टिक्स और मुझे करना है ऐसे, पहले डालूंगी मैं। आपको थोड़ा सा मेसी लगेगा लेकिन बाद में लास्ट में बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ, तो हम पहले डाल देंगे, अरे बाप, पनीर सेंटर में, सेंटर पे पनीर डालूंगी पहले, मतलब सेंटर में चुभाना है। हाँ, बाद में डालूंगी प्याज, बाद में डालूंगी कैप्सिकम, आराम आराम से डाल दीजिए वरना स्टिक टूट जाएगा। मेरा ऑलरेडी एक टूट गया है, टूटने वाला है मतलब ये। और फिर से मुझे करना पड़ेगा ये पनीर डालना पड़ेगा, फिर से बाद में डालना पड़ेगा, फिर से प्याज, बाद में मुझे डाल देना फिर से कैप्सिकम, तीन बार करना पड़ेगा ऐसे ऐसे एक और बार। ठीक है, हाँ अब सब कुछ हम लोग रेडी करके आएंगे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने कर दिया, मुझको दिखा दिया है दिखाने के लिए। मैंने एक कर दिया मेरी मम्मी ने। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब भी पूरा होने के बाद मैं आपको फिर से मिलूंगी। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने ये तीन कर लिया और ये अभी थोड़ा सा बचा, ये भी हमने लास्ट पे करेंगे हम, मतलब मैं और बाद में करेंगे। और ये पहले आपको दिखाने के लिए तीन हमने रेडी करके रख लिया है। अभी क्या करेंगे मम्मी? तो अभी गैस ऑन करो दिया। ओके, एक तवा रख के गैस ऑन करो और थोड़ा सा ऑयल डालो। स्लो में रखने की फास्ट? फास्ट में रखो, फास्ट में, थोड़ा तवा हीट होना है ना। हाँ, तो आप डाल देंगे तेल, बस और थोड़ा सा, बस। ठीक है, अभी उसको अच्छे से फैला दो। हाँ, छोड़ दो, अभी गर्म होने के लिए छोड़ दो। अभी नहीं डालो, यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, अब क्या करूँ? ठीक है, अब शायद गर्म हो गया दिया। अभी एक एक ही एक पनीर रख दो। इतना जल्दी गर्म भी हो गया? वाह, तो नहीं तुम रखो, वो आराम से गर्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ आवाज आ रहा है। ओ अच्छा, ये पक रहा है, मतलब तेल गरम हो गया है। तेल गरम हो गया। अच्छा दिख रहा है ना दिया? हाँ, ये दिखने में थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है लेकिन लास्ट पे बहुत यम्मी दिखने वाला है। पहले कुछ ऐसा दिखेगा तो आप कर दोगे बाद में खाने के बाद। हाँ मम्मी, रोज बनाई है करके बोलेगी आप, मतलब आप बोलोगे तो मम्मी देगी एक झापड़। ठीक है मम्मी, पानी पी लूँगी करके रोटी सब्जी खा।
आलू मटर के बोलो। ठीक है दिया, अभी इसको अच्छे से हम लोग फ्राई कर देंगे, पकने देंगे। ऐसा मुझे दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, दिखने में अच्छा टेस्टी लग रहा है ना। हाँ, तुमने तो बहुत बार खाया है ना इसको। हाँ, तुम्हें पनीर पसंद है ना? बहुत पसंद है, क्योंकि वो दूध से बना है तो मुझे प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन मिलेगा। हाँ, तो पहले से ही दूध से बना है तो दिया, देखो अभी ये स्लोली अच्छे से पक रहा है। हाँ, उसके बाद हम लोग इसको पलटेंगे, जैसे मैं दिखाती हूँ आप तुम्हें, ऐसे पलटेंगे आराम से, आराम से इसको इसको स्टिक का ऐसे पकड़ो और ऐसे पलटो। वाह, और ऐसे पलटो तो अच्छे से इसको फेंकना है। हाँ, और फ्रेंड्स आप छोटे हो और इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत कीजिए अकेले, अपने मम्मी को साथ ले लीजिए, क्योंकि वही तो काटती है, वही तो सब कुछ करती है, मतलब स्टिक में जोड़ के फ्राई करती है। आप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको प्रैक्टिस किया है, मैंने बहुत सेफ्टी से किया है और मम्मी ने काटने में हेल्प भी किया है, तो मैंने मतलब कुछ नहीं डाला। लेकिन आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे तो ज़रूर इसको पेरेंट्स से हेल्प लेना अगर आप ये कर रहे हो तो। अच्छे से सेकेंगे दिया, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। हाँ, तो आपको मैं मिलती हूँ। देखिए हमने प्लेट दिया है और ये ऐसा दिख रहा है, यम 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 यम। तो अभी प्लेटिंग करें? हाँ करते हैं। वाओ, ये कितना यम्मी दिख रहा है, यम यम। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो ये तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना यम्मी दिख रहा है अभी। तो ये आप देख सकते हो मेरे प्लेट में मैंने केचप भी डाला है, मेयोनीज भी डाला है। अगर आपके पास ये है तो मैं केचप और मेयोनीज आप उसको डुबा ले खा सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप ऐसे ही भी खा सकते हैं। लेकिन ये बता दूँ फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी है, बहुत। प्लीज़ आप भी इसको घर पे ट्राई करना, ये बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल भी है, बहुत सिंपल है। आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।